देखिए एक बड़ी खबर है, ब्रिटेन में ज़ेलेंस्की के खाकी स्वेटर की नीलामी की गई है। 85 लाख रुपए में बिका है ज़ेलेंस्की का ये खाकी स्वेटर। ब्रिटेन की क्रिस्टी लंडन चैरिटी संस्था ने यह नीलामी करवाई। खाकी स्वेटर के साथ ही कीव में बोरिस जॉनसन को मिला गिफ्ट भी नीलाम हुआ। जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता कहा, और जो कीव में ज़ेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन को जो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट की नीलामी में बोरिस जॉनसन भी शामिल हुए। और फिर 85 लाख रुपए में एक ग्रीन स्वेटर बिकता है बोरिस वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की का। और बड़ी बात यह है कि नीलामी से मिले पैसे को यूक्रेन की मदद के लिए ही खर्च किया जाएगा। और चलिए अब आपको ज़ेलेंस्की के स्वेटर की नीलामी में क्या क्या हुआ और क्या क्या बिका, आपको सारी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो सुर्खियों में ज़ेलेंस्की का स्वेटर कैसे आया, किस तरह से नीलामी हुई है, क्या हुआ, यह आप जानिए। क्रिस्टी लंदन चैरिटी में बिका वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की का खाकी स्वेटर। अब कीमत कितनी लगी है, 85 लाख रुपए में ज़ेलेंस्की का ये खाकी स्वेटर बिका है। स्वेटर की नीलामी 47 लाख से शुरू हुई थी और जो खाकी स्वेटर है वो ज़ेलेंस्की का ट्रेडमार्क बना हुआ है लगातार, जैसा हम देख भी रहे हैं। युद्ध के बाद से ज़ेलेंस्की इस स्वेटर को पहने हुए अक्सर नजर आते हैं। यूक्रेनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए खाकी स्वेटर पहनते हैं और हमने कई बार देखा, चाहे ज़ेलेंस्की का संबोधन हो या चाहे वो अपने नागरिकों के साथ संबोधन हो या फिर दूसरे देशों की संसद को संबोधित करना हो, हर बार अक्सर ज़ेलेंस्की को इसी में देखा गया। नीलामी से पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और ज़ेलेंस्की ने भाषण दिया। ज़ेलेंस्की ने बहादुर बोरिस कह के संबोधित किया है, यानी अपने संबोधन की शुरुआत बोरिस जॉनसन को बहादुर बोरिस कह के शुरुआत की है। जॉनसन ने साफ कहा, इस स्वेटर के लिए खूब चर्चा करो। जॉनसन ने यह भी कहा, ज़ेलेंस्की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। और क्या कहा गया, जॉनसन की कीव यात्रा के दौरान दिए गए गिफ्ट की भी नीलामी हुई है। कीव में टहलते जॉनसन की फोटो की भी काफी ऊंची बोली लगी है। तो जो नीलामी हुई है उसमें क्या क्या नीलाम हुआ, कितने में क्या हुआ, ये सब हमने आपको बताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।